बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखने की कोशिश करिए। कब आया ये? इस साल के ठीक एक साल पहले क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ग्लूट4, ये तो क्लास में डिस्कस हो चुका है। कॉनकाना वेलिन ए इज क्या है? पिगमेंट है, लेक्टिन है। चालू है, ठीक है। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बॉन्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ना नहीं नहीं नहीं, ध्यान सुनने की कोशिश करो। इस साल ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया जिस साल आया। किस साल आया? 19। अरे रुको यार, दोनों गलत हैं, सांस लेने दो थोड़ा। पहला पढ़ो। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक। ये तो गलत है, क्योंकि कोएंजाइम टाइटली होता है, लूजली ट्रांजिटली। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज, नहीं पूरा एंजाइम क्या कहलाता है? होलो एंजाइम। तो टोटल एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम, उसका प्रोटीन पार्ट। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो तो मेरे को दोनों गलत लग रहे हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों गलत लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आगे आओ। राम कौन सा? ये अजीब ही क्वेश्चन था, उड़ीसा में आया। कहाँ आया? उड़ीसा। उड़ीसा में उस साल बाढ़ आ गई थी तो पेपर दोबारा आया था। नीट उस साल बाकी लोगों के लिए अलग हुआ था, उड़ीसा के लिए अलग आया था। एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रोटीन। आगे चलो। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम। बताओ ये टाइटली है कि और वो तो बताओ प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली होता है कि लूजली? टाइटली। कौन सा ऑप्शन? सेकंड, दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। बताओ तीनों याद है? तुम देख रहे हो कोफैक्टर से लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा। तो कोफैक्टर 3 प्रकार के पढ़ाए थे। एक का नाम था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ट्रांजिएंट की टाइटली। दूसरा था को एंजाइम, याद है, टाइटली की ट्रांजिएंट। और तीसरा था मेटल कोफैक्टर। इट डिपेंड कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है और कैसे लीगेंड है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। आगे चलो। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप? और पॉलीहाइड्रोक्सी इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बताओ दो ग्रुप कौन कौन से? कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सी। समझ में नहीं आया? एनसीईआरटी में ढूंढो, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो लोगों ने इसको कहा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ है क्या? ये स्ट्रक्चर में है। यस, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एक ग्रुप होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरा कार्बोनिल, और कार्बोनिल में या तो होगा एल्डिहाइड या तो होगा कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू एंजाइम? होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम। और क्या ये गलत है? को एंजाइम प्लस को फैक्टर गलत है, गलत है। बताओ कॉम्प्लेक्स एंजाइम का दूसरा नाम होलो एंजाइम। दो पार्ट हैं, एक का नाम एपो एंजाइम और को फैक्टर। को फैक्टर कितने प्रकार का? 3। ए भगवान, पिछले 5 सालों से को फैक्टर से लगातार क्वेश्चन 5 बार आ चुका। तीन सालों से 5 बार आ चुका। इसका मतलब कोवेक्टर वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए आपको। इसका मतलब इससे पता चलता है कि बहुत सही बात कही करने के बावजूद भी कुछ एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इससे पता चलता है कि कोवेक्टर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट।
केवल इन क्वेश्चन को करके पता चलता है कि हमें किस पे फोकस ज्यादा देना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक? प्रोटीन पॉलीमर है? प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड। अच्छा, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। सबके बॉन्ड याद हैं? मजा आ जाएगी बता दोगे तो। लिपिड पॉलीमर, इसीलिए इसका मॉलिकुलर वेट कितना निकलता था? 18 to 800 डाल्टन। 18 to 800 डाल्टन होना कहाँ चाहिए था? माइक्रो में। पाया कहाँ गया? आगे चलो। ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट 23SRR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइजिंग थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन? ए, पहले बताओ, पहले थ्री डायमेंशन, थ्री डी में कौन कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है पेप्टाइड। अब देखते जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दीज आर द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, याद रखना। और कौन से हैं? ईस्टर। कौन से बॉन्ड नहीं होंगे? हाइड्रोफोब। प्रोटीन को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई फोबिक बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? थर्ड। आगे चलो, यो का है, बताओ, बता पाओगे कौन है विथ और कौन है विदाउट? पक्का? अच्छा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कैसे होता है? सब्सट्रेट का एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट का। तो पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? तो एंडोथर्मिक वाला हटा दो, ये दोनों ए और सी तो हो ही नहीं सकते। अब आए एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, कौन है ए? ए इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इज इन अब्सेंस ऑफ। बताओ ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन। आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही है भाई, कोई बुला दे उनको। आगे चलो, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ? इधर मत देखो, अपने बारे में सोचो। ग्लिसरॉल का एक मॉल और फैटी एसिड तीन। पहले पॉइंट पर मोनोग्लिसराइड, कोई गया बाहर? नहीं गया। क्या बात है यार, थ्री ग्लिसरॉल नहीं होगा, वन ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यूरेसिल इज अ पिरिमिडीन, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, सेलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। कौन रॉन्ग है? सेकंड रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ग्लाइसिन सल्फर नहीं होता, सल्फर किन में होता है? सिस्टीन एंड मिथियोन। कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं। मैं थोड़ा आवाज बढ़ाओ यार, सही से आवाज नहीं आ रही। इसे जल्दी खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। द काइटिन किसका? एन ए जी। काइटिन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? होमो पॉलीमर के हेट्रो? किसका बना है? नाग। व्हाट इज नाग? सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल डज हैव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? न्यूक्लिक एसिड ना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, यही होगा। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आवाज सही है? अब सही है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द, बताइए, थोड़ी देर बाद आवाज करने लगेगा वैसा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये क्वेश्चन था बेटा केएम वैल्यू से, जो मैं कह रहा था केएम वैल्यू के डायग्राम से नहीं आए, थ्योरी से आए, और जो लोग इसको समझ पाएंगे प्लीज बताएंगे। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सही की गलत? आगे द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स, डिक्रीजेस के इंक्रीजेस? अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर, सही है? और अगर हमने उसे सही ढंग से पढ़ा नहीं होता तो हमें मालूम नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव कैसा होता है, रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल होगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन घटाने पर की बढ़ाने पर, और तब बेटा एफिनिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में एफिनिटी बोली जाती है, इनहिबिटर के रेस्पेक्ट में नहीं। आप गलत जवाब देने लगते हैं, सोचने गलत लगते हैं। जो एफिनिटी शब्द था वो इनहिबिटर के लिए जाओ सबस्ट्रेट के लिए? तो जब भी मैं एफिनिटी बोलूं आप किसके लिए बोले थे? तो बताओ सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कॉम्पिटिशन में बढ़ेगी कि कम हो जाएगा? केएम बढ़ जाएगा। ये मैंने कल पूरा टाइम यही लगाकर पढ़ाने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आए हैं जबकि डायग्राम में केएम लिखा है और केएम की थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे? पढ़े होंगे तो क्या आपको केएम की थ्योरी मिली थी? लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए क्योंकि डायग्राम में बना हुआ क्वेश्चन मान लिया जाता है कि वो आपको पढ़ाएगा आपका टीचर, सो आपको केएम की वैल्यू याद होगी। व्हाट इज केएम राजन? ऐसा दुखी काय बैठे हो? व्हाट इज केएम? खड़े हो? क्या डेफिनेशन होती है? हमने कहा था कि मैं दुनिया का हैप्पीएस्ट टीचर होऊंगा अगर मेरा बच्चा केएम को केवल इतना बोल दे, कितना? केएम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद येलो जैकेट, यस। व्हाट इज सबस्ट्रेट? व्हाट इज केएम वैल्यू? हाँ? और उसके बाद भी बात कर रहा हूं, एक मौका मिल रहा कि समझ सकूं। उधार की जिंदगी लेकर के बैठे हो, तुम्हारे बदले कोई और पढ़ने आएगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो केएम वैल्यू, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है कि मैक्सिमम का? हाँ। क्या ये वी मैक्स है? और ये आधा है, वी बाई टू हो गया, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इस वैल्यू का नाम क्या? ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है कि मैक्सिमम की आधी? कोई मतलब नहीं आएगा तो पढ़ने की क्या जरूरत? नहीं आए थे तो सर नहीं पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे किसी कोचिंग में। बैठिए, ये सेशन आपको लगते हैं बेवकूफी भरे, लेकिन जिन्होंने सही से पढ़ाई की है उनके लिए सेशन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है। तो आपको पता चल जाता है कि एनसीईआरटी में क्या पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चंस कहां के हैं, नीट के। तो ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आता तो तुम कितना सही कर पाते ये तुम जानो, सर हम तो ना कर पाते। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। देख लो बायोमॉलिक्यूल के ज्यादातर क्वेश्चन एंजाइम वाले पोर्शन से आ रहे हैं, और एंजाइम इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पूरा एंजाइम, और एंजाइम में भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? कोफैक्टर। केएम वैल्यू के ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इनएक्टिव साइट, सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स, गलत है क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है। यस,
A non-competitive inhibitor bind the enzyme at a site distinct from that which is. सही है, यही सही है. आगे बोलो. Melanot is a competitive inhibitor of succinic DIV. ये भी सही है. कौन सा गलत है? हाँ? बताओ, रिवर्स हो सकता है? और ये क्वेश्चन अगर तुमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सही ढंग से ना पढ़ा होता तो निकलता भी नहीं था. Which one of the following is non-reducing carbohydrate? क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? मैंने पढ़ाया था ऑल मोनोसैकेराइड आर, मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज. ट्री हेलो सर, तो बताओ यहाँ पर सुक्रोज इज रिड्यूसिंग कि नॉन रिड्यूसिंग? माल्टोज रिड्यूसिंग, लैक्टोज, और ये मोनोसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड इज रिड्यूसिंग. ऑल मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज. ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, और फिर आता है जिसमें दो पोजीशन पर ऑर्गेनिक और एक पोजीशन पर फॉस्फोरिक ग्रुप. सिंपल की कॉम्प्लेक्स, क्या इसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं? कुछ नहीं याद आ रहा. याद है फॉस्फोलिपिड? लेसाइथिन इसका एग्जांपल था. किसी को याद है? यानी ग्लिसराइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप, इट इज नोन एज फॉस्फोग्लिसराइड. बताओ क्या होगा? ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच. यस और नो? सही है कि गलत? पता नहीं सर, हमें क्या मालूम आपने क्या पढ़ाया था. सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है. सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर टू, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है. अनसैचुरेटेड बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर. कौन सा बॉन्ड? ईस्टर. ईस्टर. नाउ सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, याद है? और इसके लिए पर सी एच टू सी एच टू यहाँ पर एंड प्लस सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच. बताओ ये फॉस्फेट है? तो दो जगह पर फैटी एसिड है जो कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू टू विच आर फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच. इट इज नोन एज फॉस्फोग्लिसराइड, आल्सो नोन एज फॉस्फोलिपिड. क्या ये, क्या इसी का कोई एग्जांपल याद है? बोलो. आंख बंद कर लेने से ऐसा नहीं है कि समस्याएं आएंगी नहीं. बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती रहती है, उसको सोचता है मालिक नहीं देख रहा. आप लोग पूछते हो हम क्वेश्चन करेंगे नहीं तो क्वेश्चन का डर कैसे आएगा? फिर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते तो तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो जाता है. तो आपको ना प्रैक्टिस करनी है और ना प्रैक्टिस में साथ देना, और यहां पर बातें करनी. अगला क्वेश्चन, मैक्रोमॉलिक्यूल काइटेनेस नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड एनएजी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये मोनोमर था? आपस में जुड़ेगा तो बनाएगा पॉलीमर. नाम बताओ. काइटेन, तो काइटेन एक प्रोटीन है, प्रोटीन है कि पॉलीसेकेराइड जिसमें नाइट्रोजन है. आगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक एक्शन. आपको कुछ याद ही नहीं होगा, मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं. ई प्लस एस ई एस ई पी ई प्लस पी, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल रिवर्सिबल. बाकी बताओ ये वाली स्टेज ट्रांजिशन, हाँ तो बोलता ट्रांजिएंट एंड स्टेबल की अनस्टेबल अनस्टेबल, ये सारी की सारी स्टेज कैसी हैं? अनस्टेबल. पढ़ाते पढ़ाते मर गए एंजाइम में, लेकिन तुमको ये क्वेश्चन नहीं आया. आया आया, बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा.
द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम दे आर विटामिन, क्या होते हैं? एनएडी याद है? एफएडी याद है? वंस अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम को फैक्टर. सो आप लोगों को आइडिया लगाना चाहिए कि कौन से पोर्शन पे ज्यादा वर्क करना. एनएडी और एफएडी में, एनएडी में है बी थ्री और एफएडी में बी टू, नियासिन एंड राइबोफ्लेविन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग? अगेन फ्रॉम द एंजाइम, एंजाइम आर डीनेचर्ड हाई टेम्परेचर. Enzyme are mostly protein but some are lipid also. Galat. Enzyme are highly specific. Log and key hypothesis. Enzyme require optimum pH and temperature for. सही है? कौन सा गलत? इस जगह पर अगर RNA होता तो ये भी सही होता. अगला क्वेश्चन. Uridine present on RNA is. It is nucleotide nucleoside. चलो नाइट्रोजन बेसिस के नाम मेरे साथ बोलो. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेस, थायमिन, यूरेस. इनके न्यूक्लियोसाइड बोलो. एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिन. चलो फोन करो उसको जिसको भी है, बोलो आप जा रहे हो. अच्छा ठीक है, अब बताओ न्यूक्लियोटाइड के नाम बताए. एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, साइटोसिनिलिक एसिड, यूरिनिलिक एसिड. डिलिक डिलिक निलिक, डीन डीन याद है? डीन डीन सीन सीन, ये कौन है? न्यूक्लियो और निलिक निलिक डिलिक डिलिक टाइड है. हाँ भाई आगे चलो. हे भगवान, द फिगर शो द हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड पोर्शन ऑफ प्रोटीन विच पार्ट ए टू डी इज लेबल्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? आके देखते हैं. डी इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड. यस, डी में भी एसिडिक है, आर में COH है. आगे देखते हैं. सी इज एन एरोमेटिक ट्रिप्टोफैन. पता नहीं एरोमेटिक तो लग रहा है, ट्रिप्टोफैन है कि नहीं है? कौन है ये? पता नहीं क्या है. आगे चलो. ए इज द सी टर्मिनल. ए इज द सही है कि गलत है? गलत है. अच्छा ए इज अ और डी इज अ सी. ए इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनिन. कहीं सल्फर दिख रहा है? तो ये दोनों गलत है. अब बचे ये दोनों. D इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड. किसी को मालूम है ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बन है? पांच. अगर पांच कार्बन का एसिड है ये तो ये ग्लूटामिक हो सकता है. गिनो, एक दो तीन चार पांच छ. आप लोगों ने अल्फा कीटो ग्लूटरेट सुना है? सुना है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कितने कार्बन थे? पांच. तो इसमें भी कितने होने चाहिए? पांच. एक दो तीन चार पांच और ये वाला छह. क्या ये ग्लूटामिक एसिड है? नहीं है. इसका मतलब ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है तो कुछ और होगा. तो इसका आंसर फिर एक ही बचता है, ट्रिप्टोफैन. आप लोग देखिए क्या ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर आगे मिलेंगे. आई हैव टू सी दिस, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए थे? चार की पांच. ओए बात मत करो. ग्लूटामिक एसिड में पांच कार्बन होने चाहिए शायद, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है. तो पांच है कि यहां पर छह है? देखो एक दो तीन चार पांच और ये वाला छह. तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा, बट आई विल सी इट, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक है. आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं. हाँ अब बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर फॉलोइंग ना बेसिक अमीनो एसिड. आर में मुझे NH2 चाहिए तो बेसिक होगा, यस और नो? डी, एक NH2, ये एक NH2, दो NH2, एक COH. एसिडिक की बेसिक, एक NH2, एक COH न्यूट्रल.
और यहाँ तो कहीं एसिड अमीनो एसिड ही नहीं है, और यहाँ अमीनो एसिड के साथ अजीब सा एक NH2 और एक COH और बाद में ये COH, ये कैसा है? एसिडिक। ये कैसा है? न्यूट्रल। और वो कैसा है? हाँ, एसिडिक। चलो भाई तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। अब यो का है, हाँ बताओ। अगर मैं देखूं तो पहली पोजीशन में नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवी COC। फॉस्फेट तो है नहीं, तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, तो अब इसमें न्यूक्लियोसाइड छांटो। न्यूक्लियोसाइड, एक ही ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, कौन सा होगा? डी। और एक्स के पर क्या आ सकता है? यूरेसिल आ सकता है, तो भाई इसलिए ऑप्शन फोर होगा। कोई पूछे पहला क्यों नहीं होगा? कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दूसरा अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप, तो ऑप्शन कितना बचा? चार। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में बाकी तीन ऑप्शन गलत करके आप जा सकते हो, तीन ऑप्शन गलत है, चौथे में पॉसिबिलिटी है, इसलिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कलेक्टली कैरेक्टराइज्ड लेसिथिन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। पामिटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड, नो सैचुरेटेड, हाँ सैचुरेटेड, 16 कार्बन। एडेनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट बॉन्ड, हो सकते हैं। एलानिन अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, नहीं एनीवेयर नहीं है, पर्टिकुलर जगह है, तो ये गलत है। इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, व्हाट इज ए? पहला ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी तो सब गलत लग रहा है। आगे चलो, ये क्या है? ये काइनेटिक सैचुरेशन है कि ऑप्टिमम? कितने लोगों के साथ जाती है? दो। या तो टेम्परेचर या तो पीएच, इस समय पर एंजाइम एक्टिविटी होगी इधर, या तो टेम्परेचर या तो पीएच, दो में कोई एक होगा। अब देखते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्स एक्सिस, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या होगा? कुछ और होगा। अच्छा पहले वाई एक्सिस देख लें, कहाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है? ये दोनों है, ये दोनों में कोई हो सकता है, तो बोलते हैं बी टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्टिविटी, सही है। अच्छा बताओ ये क्यों नहीं? सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ऑप्टिमम काइनेटिक्स को फॉलो क्या करता है? सैचुरेशन, सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। विच, ये बताओ लेसाइथिन है? Yes, sir. और ये बताओ प्यूरीन की पिरिमिडीन? अरे प्यूरीन में डबल साइकिल, पिरिमिडीन में सिंगल, देखते ही मैं बता रहा हूं ये प्यूरीन है और ये क्या है? लेसाइथिन। तो बताओ ए इज लेसाइथिन और बी का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो बी तो भाई यूरेसिल हो भी नहीं सकता क्योंकि यूरेसिल इज पिरिमिडीन। नींद आ रही गुरु? ये बंद करें, दूसरा चालू करें, सेल डिवीजन चालू करो सर, अब ये कब पढ़ा रहे हो, बहुत हो गया, हमें आता जाता है सब कुछ है। तो 2010 आ गया है, बस यहीं तक करने थे हमें 10 साल के क्वेश्चन। थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट, वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग? एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैगनीज, एंजाइम आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम आर हाईली स्पेशल, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, सम आर लिपिड। गलत, गलत है। बताओ ये तो तुम कर चुके हो, कर चुके हो। सी क्या है? विदाउट की विद, और ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन पढ़ लो। चलो तो फिगर गिवन बिलो कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट एंजाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट लेबल ए बी सी डी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली? बताओ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। डी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। पक्का? कौन सा ऑप्शन? बी। दो हजार आठ आ गया, छोड़ो इसके आगे के मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। अब हम लोग चलते हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन के बाद अपने नए टॉपिक दैट इज नोन एज सेल डिवीजन।
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इट इज अवर नेट न्यू टॉपिक. आपको बहुत रिलैक्स होकर के सुनना है प्रिंस पांडे जी, ध्यान देना इधर, अब बातें मत करना. छोटा सा टॉपिक है और एनसीईआरटी बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इसको उठाती है और समझाने की कोशिश करती है. और एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, या फिर मल्टीसेलुलर ही क्यों ना हो, इस दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो अपनी जिंदगी की जर्नी सिंगल सेल से स्टार्ट करता है. दे स्टार्ट देयर लाइफ बाय सिंगल सेल. कई बार ये बच्चों से जब मैं पूछता हूं क्या हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, बोले हां सर. तो क्या हमारी जर्नी, हमारी जिंदगी एक सेल से चालू हुई थी? बोले और उस सेल को आपने बहुत बार पढ़ा था, हम नहीं थे हमारे पापा थे, हम नहीं थे हमारी मम्मा थी, पापा की तरफ से आए स्पर्म, मम्मा की तरफ से आया ओवा, स्पर्म और ओवा फ्यूज हुआ बना जायगोट, जायगोट था एन कि टू एन, टू एन. और आप सबको मालूम है जायगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है. कैसा? इस एक कोशिका से हम लोगों ने अपनी जर्नी चालू की. यहां पर बैठा हुआ कोई भी बंदा, हम इस दुनिया में पहली बार ऐसे दिखते थे, जायगोट. और बोलते हैं इस जायगोट से कभी बना था एम्ब्रियो, और फिर इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से बना फिटस, और फिटस से बना ऑर्गेनिज्म. और आज हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी एक जायगोट की वजह से है. खैर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास तो एक ही सेल है, वो उसी से बने थे और उसी में बेटा मर जाना. जिनके पास एक कोशिका है उन्होंने तो अपनी जर्नी एक कोशिका से चालू ही की है, लेकिन जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं उन्होंने भी अपनी जर्नी एक सेल से चालू की. और तब वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसकी जर्नी जब सिंगल सेल से चालू हुई तो ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तक कैसे कन्वर्ट हुई. तो बोलते हैं किसी भी एक सेल का दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है. पहला प्रॉपर्टी है सेल ग्रोथ, यानी हर सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हो, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं. एक का नाम है सेल ग्रोथ और दूसरे का नाम है सेल रिप्रोडक्शन. इसी का दूसरा नाम है सेल डिवीजन. और जिसने भी यहां से समझना चालू किया, जहां से मैं लिख रहा हूं इस कलर से, बस यही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है. दुनिया में कोई भी कोशिका आएगी इस दुनिया में, वो जब भी बनेगी, बनने के बाद दो काम करना चालू करेगी, पहले सेल ग्रोथ, फिर सेल रिप्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज सेल डिवीजन. सेल ग्रोथ के दौरान वो अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगी, इट विल इंक्रीज द साइटोप्लाज्म. इसके अलावा वो अपने न्यूक्लियस को इंक्रीज करेगी और न्यूक्लियस में डीएनए के पोर्शन को रेप्लिकेट करेगी. चलिए, मैं जब भी पूछूंगा आप मुझे इसी सीक्वेंस में बताओगे. बताइए, जो भी इस दुनिया में नई सेल आई है, न्यू सेल आई है, जो भी जैसे भी बनी, मान लो ये जायगोट बना, जायगोट जब पहली बार बना होगा उसके बाद उसने क्या किया होगा?
सेल ग्रोथ के दौरान उसने दो बातें की होंगी, एक तो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाया होगा और दूसरा अपना न्यूक्लियस बढ़ाया होगा। न्यूक्लियस कैसे बढ़ाया होगा? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोगों का अमाउंट डबल किया। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? डीएनए, और डीएनए के अमाउंट को क्या किया? डबल। जब साइटोप्लाज्म बढ़ गया और न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया तो सेल को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि एक घर जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया और न्यूक्लियस भी ज्यादा हो गया, वो घर अब डिवाइड, बंटवारे की तरफ जाएगा। एक बच्चे, एक आदमी के पास दो बच्चे हुए और दोनों बच्चे इस घर को बांटने वाले हैं। तो याद रखना, अब जो साइटोप्लाज्म बना है और जो न्यूक्लियस बढ़ा है उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी आधा आधा साइटोप्लाज्म दो कोशिकाओं में दे दिया जाएगा और आधा आधा न्यूक्लियस। आधा आधा न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पहले ही बड़ा कर लिया गया है, डबल कर लिया गया। कितना? और डबल कर लिया गया है तो एक एक न्यूक्लियस दिया जाएगा, एक एक, और दे दिया जाएगा। और इस तरीके से सेल एक पार्ट से दो पार्ट में बढ़ जाएगी और इसी को बोलते हैं एक सेल के द्वारा दो सेल पैदा होना, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। बोलो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इट्स सेल। अपने जैसे लोगों को पैदा करना, इट इज रिप्रोडक्शन। और अगर सेल अपने जैसे दो लोग पैदा कर रही है तो सेल क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन। और सेल का रिप्रोडक्शन ही क्या कहलाएगा? सेल। कसम से अगर इतनी सी बात सीख गई तो सेल डिविजन आपकी जेब में। आप देखेंगे, मैं तीन दिन तक आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, शायद तीन दिन चले, शायद ढाई दिन चले, और इन तीन दिनों तक मैं इन दो बात के अलावा कुछ नहीं बोलने वाला। सेल जब भी मिलेगी पहला काम करेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए सेल ग्रोथ के दौरान वो क्या करेगी। अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी, साथ में अपने न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए को बढ़ाएगी, डीएनए को बढ़ाएगी। और डीएनए का बढ़ना, इट इज नोन एज डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। तो बताओ, साइटोप्लाज्म घटा कि बढ़ गया? और न्यूक्लियस भी बढ़ गया। अब एक सेल इसे संभाल नहीं पा रहे, बड़ा हुआ साइटोप्लाज्म सेल संभाल नहीं पा रही है, बड़ा हुआ न्यूक्लियस सेल संभाल नहीं पा रही है। इसलिए सेल ने अपने आप को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो। और दोनों ने आधा आधा साइटोप्लाज्म ले लिया और बढ़े हुए न्यूक्लियस का, आधा आधा न्यूक्लियस नहीं, बढ़े हुए न्यूक्लियस का आधा आधा पोर्शन बांट लिया। और इस तरीके से एक सेल से कितनी बनी? दो। और दो सेल बनने के बाद सेल का क्या हुआ? रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज आल्सो नोन एज सेल डिवीजन। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, आप घर जाकर पढ़िएगा, ये शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द? सेल रिप्रोडक्शन। और सेल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम सेल डिवीजन, और उसके पहले क्या कह रहा? सेल ग्रोथ, और फिर सेल डिवीजन। जब तक क्या नहीं होगी तब तक सेल डिवीजन। तो याद रखना, हर बनने वाली कोशिका, जो हर एक नई सेल है, न्यू सेल है, वो अजीब सी एक साइकिल में फंसी है। हर सेल पहले करेगी ग्रोथ, और ग्रोथ करने के बाद करेगी डिवीजन। क्या करेगी? और डिवीजन से पैदा होगी नई सेल, फिर नई सेल किस में जाएगी? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद क्या होगा? डिवीजन। फिर से क्या बनेगी? नई सेल। फिर नई सेल किस में जाएगी? ग्रोथ। ये चक्र चलेगा, इसी चक्र का नाम सेल साइकिल है। बोलो, क्या नाम है? सेल साइकिल। सर हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आया। एक ऐसी साइकिल जिसमें दो पहिया थे, उसका नाम एटलस साइकिल है, हीरो साइकिल है, लेकिन इसमें दो पहिए हैं कि एक, और उस पहिए में केवल क्या है? नई सेल जब भी आएगी वो क्या करेगी? ग्रोथ, फिर डिवीजन, फिर नई सेल, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन, डिवीजन से नई सेल, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन। और जिस बच्चे ने पकड़ लिया कि डिवीजन करने के पहले क्या करना है, वो हीरो है। बिना ग्रोथ के डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तीन बार बोल लो, बिना डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक बार, दूसरी बार, बिना ग्रोथ के डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तीसरी बार, अब ग्रोथ के दौरान क्या करना है? दो चीजें,
साइटोप्लाज्म बढ़ाना है, न्यूक्लियस का डीएनए डबल करना है, डीएनए। तो जब न्यूक्लियस बटेगा तो ऑलरेडी वो कैसा था, डबल। तो डबल चीज जब आधी आधी बटेगी तो एक एक मिलेगी, कितनी मिलेगी, एक। इसलिए कोशिका में हमेशा कितना न्यूक्लियस रहेगा, एक, आधा की एक। और फिर से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डबल, फिर एक एक, फिर डबल, फिर एक। नहीं आया तो बताओ कितने काम, प्लास बढ़ेगा, न्यूक्लियस का डीएनए डुप्लीकेट होगा, और फिर क्या होगा, सेल डिवीजन और सेल डुप्लीकेशन, याद रखना, सॉरी सेल डिवीजन का दूसरा नाम सेल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल अगर इतना तुम बता दोगे मैं खुश हो जाऊंगा कि हर नई सेल किसने जाएगी, ग्रोथ में, फिर डिवीजन में टू प्रोड्यूस न्यू सेल, एक साइकिल बनेगी, इसी साइकिल का नाम सेल साइकिल। इतना आसान है सेल साइकिल, लेकिन अभी हम लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि सर इतनी आसानी से कैसे समझ में आ सकता है। नहीं नहीं सर, ऐसे मत, इतनी आसानी से मत समझाओ, हमें इतनी आसानी से समझ में आ गया तो तब तो सर आप नहीं पढ़ा रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे। यस, अब आपके पास सेल साइकिल की डेफिनीशन है, और अगर आप वो डेफिनीशन अंडरलाइन कर लेते हो तो मैं एक अच्छा और सुखी टीचर बन जाऊंगा। पेज दो, बुक दो बेटा, बुक में जहां पर सेल साइकिल नाम का हेडिंग लिखा हुआ है उसी वाले पेज में सेल साइकिल हेडिंग के बाद इट इज अ फिफ्थ लाइन, 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन के आखिरी में जाइए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। इतना बोलो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल इज टर्म एज सेल साइकिल। चलो बोलो, व्हाट इज सेल साइकिल, बता पाओगे? आप देखना मेरे तक लिखने का अंदाज, आप मेरे तरीकों को देखेगा। चलिए बोलो, व्हाट इज सेल साइकिल, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपने जो लिखा मैं वही लिख रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ओके, इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब क्या हो गया, पता नहीं यार, मदद नहीं कर रहा। देखो मैं लिख वही रहा हूं पर अंतर कर रहा हूं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम दैट इज डीएनए एंड सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको लगेगा सर ने ऊपर क्यों लिखा, नीचे लिखना चाहिए था, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को भी बढ़ाएगी, सिंथेसाइज करेगी, एंड इवेंचुअली डिवाइड इंटू टू, किसमें डिवाइड होगी, दो डॉटर सेल में, किसमें, दो डॉटर सेल में। देखिए मैंने अपने तरीके से लिख के तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाया, देखो अभी मैं तुमको वही चीज सिखाऊंगा। जब सेल अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ा रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा, साइटोप्लाज्म, और जब वो अपना जीनोम बढ़ा रही होगी तो क्या डुप्लीकेट हो रहा है, हाँ, डीएनए, और डीएनए कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस, हाँ, और ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, ग्रोथ, बोलो कौन सी ग्रोथ, सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन। सर ऐसे नहीं, फिर से बताओ, मैंने क्या कहा था, सेल साइकिल में दो ही चीजें होंगी, नई सेल पहले कहां जाएगी, ग्रोथ में, और जब ग्रोथ हो जाएगी डिवाइड की, और ग्रोथ कितने प्रकार की, दो, एक कौन, साइटोप्लाज्म, दूसरा ये डेफिनेशन जो आपने पढ़ी और जो मैंने लिखी, दोबारा देखते हैं बिना बोर्ड की तरफ, और अपने मन में सोचते हैं कि क्या हो रहा होगा। बोलो, व्हाट इज सेल साइकिल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इधर देख रहे हो, अब देखो
और मम्मी कसम किसी ने बुक देखी तो अपने मन में डेफिनेशन बनाओ, हिंदी उर्दू भोजपुरी जैसे भी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम डुप्लीकेट हो रहा मतलब न्यूक्लियस की ग्रोथ हो रही है एंड सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बढ़ रहा है? साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, यस और नो? और इसके बाद इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू। मैंने कहा मैं 20-25 बार बोलूंगा आज से लेकर 3 दिन तक। बताओ सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होना है, याद है? एक होना है सेल ग्रोथ, दूसरा सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ में क्या होना है? साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। मेरे बच्चे, आई एम द हैप्पीएस्ट टीचर। अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी बेवकूफी कर लो आज एक दिन बेवकूफी ही कर लो, देखो फिर विश्वास कितना बढ़िया बढ़ेगा हमारा तुम्हारा कि हम लोग आपस में बेवकूफी कर रहे हैं। चिल्ला लो चाहे तो। बताओ सेल में पहले सेल ग्रोथ होगी? yes, सेल ग्रो कर रही है तो सेल बनी है साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की, दो चीज की बनी है। yes, तो ग्रोथ में क्या बढ़ेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। तो डीएनए डुप्लीकेट होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल ग्रोथ हो गई। अब ये जो हुआ है ये एक सेल द्वारा संभाला, इसलिए सेल क्या करेगी? इसे दो भागों में विभाजित कर देगी। विभाजित करेगी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट। एक बंदा था, उसके दो बच्चे थे, उसने जीवन भर कमाया, घर को भरा और फिर बंटवारा कर दिया ताकि बच्चों को कमी ना। अब ये बच्चे कमाएंगे फिर से घर भरेंगे, वो अपने बच्चों को दे देंगे। और इस तरीके से रुकने वाला एक दिन पूर्वज से वंश चलते जाएंगे, एक लोग के हजारों। और हम सब लोग मनु की औलादे हैं, द फर्स्ट मैन एडम एंड ईव, सुने हो? तब से लेकर आज तक हम लोग अलग अलग बाइसेक्ट हो गए, ट्राइसेक्ट हो गए, लेकिन हैं सब वहीं से, अंततः एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं, इवोल्यूशन ये बोलता है। तो अंततः बहुत दूर जाएंगे पीछे तो हम सब भाई बहन हैं, यस और नो? लेकिन यहाँ तक आते आते हमारे रिलेशन 4 से 6 जनरेशन से ज्यादा अलग हो गए हैं, तो हम उसे ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप नहीं मान रहे। और वी आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द प्रोजेनी, यस और नो? द सेल इज डूइंग द सेम, सेल इज डूइंग द सेम। पहले क्या बढ़ा रही है? साइटोप्लाज्म। साथ में क्या बढ़ा रही है? न्यूक्लियस। पक्का? yes, sir। और फिर उसको जो बढ़ाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट, बढ़ाना डिस्ट्रीब्यूट करना, बढ़ाना डिस्ट्रीब्यूट। तो बोलते हैं सेल साइकिल में तीन ही बातें मिलेंगी, फिर से लिख रहा हूं मैं क्योंकि एनसीईआरटी 3 बार बोलती तो मैं 3 बार लिख रहा हूं। डीएनए रेप्लिकेशन पहला काम, उसी के साथ साइटोप्लाज्म का ग्रोथ, और तीसरा काम डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए टू डॉटर सेल। ओके, एंड दैट्स व्हाई एवरी सेल साइकिल हैव 2 फेज। पहला फेज ग्रोथ फेज, बोलो ग्रोथ फेज। दूसरा डिवीजन फेज, फिर से बोलो डिवीजन फेज। मर गए तुम सबके साथ, कुछ ना बोल पाओगे, कितना भी अच्छा पढ़ा दो। बताओ कितने फेज? पहला ग्रोथ फेज, दूसरा डिवीजन फेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। और जो लोग इतना आसानी से बैठ करके पीछे मुस्कुरा रहे हैं ना कि हम तो ना समझेंगे, तुम चाहे जितना समझा लो, तो फिर किसी दिन मेरे साथ भटकते हुए लौट के आएंगे कि सर हमने काश आपकी बात सुनी होती। वरना लोग इस टॉपिक को इतना क्लिष्ट, इतना कठिन कर देते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, जबकि इतना सिंपल। फिर बोल रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। बताइए सेल साइकिल तो हो गया, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच
डीएनए रेप्लिकेशन होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा और इवेंचुअली सेल डिवाइड हो जाएगा। इसमें कितनी फेजेस हैं वो पढ़ाना है। बोलते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल को समझने के लिए हमने एक टिपिकल सेल ली, एक टिपिकल सेल ली, और ये टिपिकल सेल हमने ह्यूमन सेल को बोला, यानी ह्यूमन की एक सेल ली, ह्यूमन सेल, और इस ह्यूमन सेल को हमने कल्चर मीडियम में डाला और फिर हम बैठ गए देखने में कि ये सेल कितनी देर में डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि ह्यूमन सेल लगभग हर 24 घंटे में आफ्टर 24 आवर में ये डिवाइड कर जाती है। चलो मेरे साथ बोलो, क्या हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया? Yes, sir. जिसमें क्या ली? टिपिकल सेल। कौन किसकी? Yes, कहां पर डाला? कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम में डाल करके हमने देखा कि ये सेल क्या कर रही है। सेल बेटा हर 24 घंटे में डिवाइड। तो हमने कहा कि ये जो 24 घंटे हैं ये किसी टिपिकल सेल के लिए पूरी साइकिल मेंटेन करते हैं, एंड दिस इज नोन एज टाइम ड्यूरेशन फॉर सेल साइकिल। हमने माना कि ये 24 घंटे का जो समय है ये सेल साइकिल का टाइम है, और वो भी सारी सेल में कि टिपिकल सेल। दिस टाइम ड्यूरेशन कैन वेरी, ये टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी एक अलग ऑर्गेनिज्म में अलग भी हो सकता है, एंड सेल टू सेल, और ये सेल बदलने पर भी बदल सकता है। जैसे इन्होंने WBC या RWBC ली होगी और वो 24 घंटे में डिवाइड कर रही होगी, पर क्या नर्व सेल भी 24 घंटे में डिवाइड कर रही होगी? ना, ये हर एक सेल की बात कर रहे हैं कि टिपिकल सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड। प्लीज मेरे पॉइंट को अच्छा करो और बताओ, क्या फेजेस ऑफ साइकिल को समझने के लिए हमारी बुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया? Yes, उसके दौरान उन्होंने कल्चर मीडियम में एक टिपिकल सेल डाली। Yes, ये टिपिकल सेल डायनासोर की थी, ह्यूमन की थी। Yes, उसको डालने के बाद उन्होंने देखा कि 24 घंटे बाद वो सेल डिवाइड हो, और उसने कौन सी साइकिल पूरी? सेल साइकिल पूरी की। फिर उन्होंने कहा ये जो 24 घंटे हैं इन 24 घंटे के दौरान सेल डिवाइड होती होंगी, लेकिन क्या हर सेल 24 घंटे में डिवाइड होते हैं? यस और नो? क्या हर ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा होगा? नो। इन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए दूसरा एग्जांपल दिया, और ये एग्जांपल था ईस्ट का। किसका? बोले ऑर्गेनिज्म बदल दिया, ह्यूमन से किया ईस्ट, और बोला ईस्ट तो अपनी सेल साइकिल को 90 मिनट में पूरा कर लेता है। इसका मतलब ह्यूमन की सेल जो कितने मिनट में काम करती है? मिनट में कि घंटे में? कितने घंटे में? 24 घंटे में काम करती है। वही काम ईस्ट की कोशिका 90 मिनट में काम। और मैं फिर इनवाइट करता हूं, आप बता देना वरना मैं अब दुखी हो जाऊंगा। इस पूरी सेल साइकिल में 24 घंटों के दौरान कितने काम? थैंक यू वाह। सेल ग्रो, पहला कौन? सेल ग्रो। वाह मेरे बच्चे, सवा कौन सा? दूसरा सेल डिवीजन। कसम से तुमने दिल जीत लिया। कितने काम? दो। वन इज सेल ग्रोथ, दूसरा सेल डिवीजन। और सेल ग्रोथ में कौन कौन सी बातें? दो। एक काम साइटोप्लाज्म, हाँ, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बढ़ रहा है? Yes, न्यूक्लियस पूरा बढ़ रहा है कि डीएनए? डीएनए, याद रहा? Yes, और फिर इन्होंने इन 24 घंटे को दोबारा देखा। उन्होंने कहा इस 24 घंटे में डिवीजन तो केवल एक घंटे का ही रहा, बाकी 23 घंटे सेल क्या करती रही? इसका मतलब है सेल ग्रोथ का जो समय है इट इज मोर देन 95%, 95% टाइम से ज्यादा टाइम केवल किसमें चला जाता है? सेल ग्रोथ में। और बाकी बचा हुआ लेस देन 5% वो जाता है सेल डिवीजन में। तो कोशिका एक्चुअली डिवाइड करती है कितने घंटे? 24 घंटे की एक घंटे, बाकी 23 घंटे डिवीजन की तैयारी। अब ग्रोथ बोलना बंद करो, डिवीजन की तैयारी।
तो तैयारी कितनी देर में लगती है? 23 घंटे, यानी 95% टाइम किस में चला गया? प्रिपरेशन में। तो सेल ग्रोथ इज नथिंग, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। अब मरोगे तुम सब अगर सुना नहीं है तो, क्योंकि अब तुम्हें लगेगा पानी प्यास, तुम बाहर भागोगे। बताओ, सेल ग्रोथ एक प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन है। काहे की? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन है किसकी? सेल डिवीजन। और इसीलिए इस फेज को हम लोग बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। कौन सी फेज? क्यों बायोसिंथेसिस फेज बोल रहे हैं? क्योंकि इसी फेज में क्या बन रहा है? साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। और डीएनए की भी सिंथेसिस हो रही है। यस और नो? इसी फेज में सेल ऑर्गेनेल बेटा अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। किस फेज में? सेल ग्रोथ। और इसी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है। मैं हार रहा हूं अगर तुम इसे सीख नहीं रहे हो। बताओ, सेल ग्रोथ जो फेज है वो कितने घंटे चल रही है? 23 घंटे। 24 घंटे में कितने घंटे? 23 घंटे। और 23 घंटे डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 23 घंटे डिवीजन नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा है? डिवीजन की तैयारी। और इस तैयारी की वजह से इस फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज, इसीलिए बायोसिंथेसिस फेज। और इस फेज में किस चीज की तैयारी हो रही होगी? साइटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा। साइटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा तो क्या बढ़ रहा? सेल ऑर्गेनेल। क्या बढ़ रहा होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बढ़ रहा होगा, क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन। नहीं आया? एंड ऐसी फेज जिसमें सेल डिवाइड ना करे, डिवीजन की तैयारी करे, उसे बोलते हैं इंटरफेज। और कुछ लोग बोलते हैं इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज। वो बोलते जरूर हैं इंटरफेज को रेस्टिंग फेज, पर उनसे बता दो कोशिका रेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि कोशिका क्या कर रही है? प्रिपरेशन। तो बताओ, इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज। क्या ये प्रिपरेशन फेज है? क्या कोशिका रुकी है? कोशिका रुकी फिर भी क्या कर रही है? सेल ऑर्गेनेल बढ़ा रही है, डीएनए बढ़ा रही है। तो इंटरफेज को लोग बेटा रेस्टिंग फेज बोलते हैं। नो डाउट, मुझे भी पढ़ाया गया इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज। पर बच्चों, अगली बार पूछा जाए रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इस दौरान डिवीजन नहीं कर रहा। पर क्या ये रेस्ट कर रही है? रेस्ट कर रही? बस रेस्ट नहीं कर रही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरफेज इज मेटाबोलिकली एक्टिव फेज। मेटाबोलिकली एक्टिव फेज। और जिन्हें नहीं आया वो आफत में है इस समय। और दूसरी फेज है जिसका नाम है सेल डिवीजन फेज। बोलो क्या नाम? और इस दौरान हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। क्या करना है? किसका बंटवारा? दो, न्यूक्लियस का बंटवारा, साइटोप्लाज्म का बंटवारा। इसीलिए एक घंटे में केवल दो ही काम हो रहे हैं, न्यूक्लियस का बंटवारा। न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस, मतलब बंटवारा। इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी तो कैसे आया? ये अभी उन लोगों के लिए जो मेरी बातें शुरुआत से सुन रहे हैं, और फिर मैं उन लोग के लिए रखूंगा जो रट्टा मारना चाहते, उनके लिए भी कर दूंगा। और इसीलिए ये सेल डिवीजन नाम का चैप्टर इतना मिस करता है आदमी, क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर नहीं, तो इसमें हाथ में कुछ नहीं आने वाला। जैसे मुट्ठी में बालू पकड़ते हो और जितना पकड़ते हो उतना छूटता है, सेल डिवीजन वैसे छूटेगा आपसे। मैं शुरुआत में बता दे रहा हूं कि तुम कितना मुझे समझ लो आज अच्छा है, क्योंकि मैं तो समझाऊं मुझे क्या समझाना है। मैं इन बातों को दोबारा लिखूंगा दूसरे अंदाज में, उनके लिए जो रट्टा मारना चाहते। चलो फिर से बोलो, क्या हमने हटा दे से? Yes, क्या हमने सेल डिवीजन की फेजेस पढ़नी चाहिए? Yes, फेजेस पढ़ने के लिए हमने कल्चर मीडियम में सेल को डाला। Yes, सेल को डालते ही हमें पता चला कि कितने घंटे में साइकिल हो रहे? 24। क्या 24 घंटे में हर सेल डिवाइड करेगा? Yes, क्या ये सेल टू सेल वेरी करेगा? Yes, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा? यस और नो? यस सर। फिर हमने देखा ईस्ट यही काम,
90 मिनट में कर रहा है जो काम, हम कितने घंटे में? 24। लेकिन एक पैटर्न साफ है, क्या है? साफ। क्या साफ है? सुन लो, वो पैटर्न दोबारा लिख रहा हूं, जिनको ना समझ में आए वो अब लिख लें। सेल साइकिल में आपको दो फेज मिलेंगी, कितनी फेज? और इन दोनों फेज को मैंने अलग अलग अंदाज से लिखा है। एक फेज है जिसे बोलेंगे सेल ग्रोथ फेज, मैंने पहले ही बात बोला था, बिना ग्रोथ के डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कितनी बार बुलवाया था? 3 बार बुलवाया था। बोला था सेल ग्रोथ के बिना सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा फेज इज सेल डिवीजन फेज। फिर से बोलो, बताइए सेल ग्रोथ फेज और सेल डिवीजन फेज मिला करके कितने घंटे लगते हैं? 24। क्या एक टिपिकल सेल है? क्या हमेशा 24 लगेगा? सेल टू सेल वेरी करेगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। बताइए ग्रोथ फेज में कितने घंटे? 23 घंटे लगा देते हैं। और सेल डिवीजन में 1 घंटे के आसपास लगता है। इसलिए मोर देन 95% टाइम आपका किसमें जाता है? सेल ग्रोथ फेज। और लेस देन 5% कहाँ जाता है? अगर मैं इसे 90 मिनट में पूछूं, बताई नहीं पाओगे। 90 मिनट का 95% से ज्यादा निकालो, 85 मिनट के आसपास किसमें जाएगा? सेल ग्रोथ। और 5 मिनट के आसपास कहां जाएगा? सेल डिवीजन। याद रखना, बातें मत करो बेटा। बोलो कि सेल साइकिल में कितनी फेज? 2। एक सेल ग्रोथ और एक सेल डिवीजन। एक्चुअली सेल कितने घंटे डिवाइड करे? 1। बाकी घंटे सेल ग्रोथ हो रही है। अच्छा बताओ सेल ग्रोथ में क्या क्या ग्रो हो रहा है? क्या साइटोप्लाज्म ग्रो हो रहा होगा? और साइटोप्लाज्म में क्या ग्रो हो रहे होंगे? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल का नंबर घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? थैंक यू मिनट। और क्या डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा होगा? यस और नो? और इसी वजह से इस फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज है। बोलो कौन सा? प्रिपरेटरी फेज। यानी कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं किसकी? सेल डिवीजन। और इसीलिए इसका नाम बायोसिंथेसिस फेज भी है। कौन सी फेज? और बायोसिंथेसिस फेज, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें साइटोप्लाज्म बढ़ रहा, न्यूक्लियस बढ़ रहा, उसी का नाम क्या रखा गया? इंटर। तो बताओ हमारी इंटर फेज में कितना टाइम लगने वाला है? 23 घंटे लगने वाला है। बजाय 23 घंटे के क्या बोलो? मोर देन 95%। और लोग एंटर फेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग। क्या सेल वाकई रेस्ट कर रही है? क्या रेस्ट कर रही की तैयारी? क्या वो कॉन्टिन्यूस एक्टिव है? एक्टिव है कि रुकी है? एक्टिव। और ऐसे एक्टिव कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। बोलो क्या नाम? तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरफेज में सेल रेस्ट में है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव, फिर इसे रेस्ट में क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डिवीजन के रेस्पेक्ट में इसे रेस्ट। नहीं आया? आगे सुनो, सेल डिवीजन के फेज में आपने जो कुछ कमाया है उसे बांटना है। क्या कमाया है? साइटोप्लाज्म। और क्या कमाया है? डीएनए। तो डीएनए डबल किया है, इसे बांट दो। और क्या साइटोप्लाज्म डबल किया है? इसे भी बांट दो। तो सेल डिवीजन के दौरान आप बंटवारा करते हैं दो चीजों का। पहला बंटवारा करते हैं आप न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस माने कैरियो और काइनेसिस माने बंटवारा। तो आप सेल डिवीजन के दौरान पहला प्रोसेस करते हो कैरियो काइनेसिस और दूसरा प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। तो बताओ साइटोप्लाज्म का बंटवारा इज और न्यूक्लियस का बंटवारा इज कैरियोकाइनेसिस। पक्का? तो एक कोशिका जिसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था, अब एनिमेशन देखो, मन में बनाओ एनिमेशन, यहां तो नहीं बन पाएगा। एक कोशिका के पास एक न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म था, उस कोशिका ने अपना दोनों चीज बढ़ाया। बोलो क्या? न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म। और फिर इसे दो लोगों में बांट दिया बराबर बराबर। अब इसे देखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन बीच में क्या आई? ग्रोथ।
बिना ग्रोथ के डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 100 बार बोलूंगा आज से लेकर 3 दिन, समझ गए? बताओ 23 घंटे इंटरफेस, इंटरफेस। और चूंकि बेटा सेल डिवीजन फेज के दौरान हो रही है माइटोसिस, बोलो क्या, इसीलिए हम इसे एम फेज बोलते हैं, बोलो क्या। और एम फेज की कितनी फेज, दो, एक कौन कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। ये और बात है कि कैरियोकाइनेसिस की खुद की 4 फेजेस हैं, कितनी फेज है, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो भैया ये सेल साइकिल नहीं है, कई बार पूछो सेल साइकिल में कितनी स्टेज, लोग बोलते थे 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दिस इज नॉट सेल साइकिल, दिस इज अ कैरियोकाइनेसिस। कितनी फेजेस हैं, 4, नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलो, और इन 4 फेजेस में केवल क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो फिर उसके साथ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब मैं इसको गोले में बना करके दिखाना चाहता हूं, देखोगे नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा, जो हम दिखाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये दिमाग में नहीं रहा तो गए, हाँ पूछ लें, एक बार 10वीं बार पूछ रहे, बता पाओगे? Yes, sir. बताओ, बिना ग्रोथ के yes, 24 घंटे लगते हैं yes, सारी सेल को yes, टिपिकल सेल को yes, ये बदल भी सकता है yes, ईस्ट में 90 yes, और ह्यूमन में 24 घंटे। इस 24 घंटे में 2400 घंटा सेल डिवाइड होती है, 1 घंटा मोर देन 95% से डिवाइड। क्या ये डिवीजन की तैयारी कर रही है और 1 घंटा डिवाइड कर रही है? लेस देन 5% में ये डिवीजन करते है। बताओ जब ये डिवाइड नहीं कर रही तो रुकी है, एक्टिव है, प्रिपरेशन कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, कितनी चीजों का, साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस में किसका, डीएनए, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल। फिर जब ये बन गए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट पहले न्यूक्लियस का फिर साइटो, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का साइटो। मैं चाहता तो मैं ये सबसे पहले बनाता, मैंने एक मुश्किल रास्ता अपनाया, इसका मतलब मैं तुम पे विश्वास कर रहा, वरना इससे अच्छी इमेज कहीं नहीं बनती। मैं आप पे विश्वास कर रहा था, आप मुझ पे विश्वास करिए, मजा आएगा। ये रहा सेंटर, और मैंने इस सेंटर से आपके सामने 2 फेज पैदा की। आप यहां से लेकर यहां तक की फेज को इंटरफेज मानिए, इंटरफेज। वैसे इंटरफेस को मुझे ज्यादा समय देना चाहिए था, कितना परसेंट, 95%, क्योंकि मन में बहुत लोगों के चल रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है, लेकिन डायग्राम बहुत खराब हो जाएगा अगर मैं इतनी दूर तक इंटरफेस ले गया और इसी में साइटोकाइनेसिस की। तो मैं डायग्राम खराब करने से बचने के लिए इसे थोड़ा अलग बना रहा हूं, लिख मैंने पहले दिया। बताओ ये कौन सा फेज, इंटरफेस, कितना परसेंट है, 95% है। और यहां से लेकर यहां तक का समय इट इज नोन एज एम फेज। एम फेज इज ऑल्सो नोन एज डिविजन फेज। कौन सा फेज, डिविजन फेज। अब इंटरफेज में जो पहला फेज है इट इज जीवन, दूसरा फेज है इट इज एस, तीसरा फेज है G2। यानी इंटरफेज को खुद में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीवन फेज, एस फेज, G2।
एनसीईआरटी जीवन फेज को बोलती है गैप वन फेज. प्लीज गैप वन फेज एनसीईआरटी की इज्जत में बोल दो, लेकिन सब लोग मेरे साथ बोलो इट इज ग्रोथ वन फेज. बोलो क्या? तो इससे तुम्हें फीलिंग आएगी कि इस जगह पर गैप है कि ग्रोथ है, क्योंकि इंटरफेज में ग्रोथ चल रही है किसकी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की. एस फेज इज नोन एज सिंथेटिक फेज. ये सही नाम है क्योंकि सिंथेटिक फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. किसकी? डीएनए. एंड जी टू फेज एनसीईआरटी लिखती है गैप टू फेज. तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या बोलना है? ग्रोथ टू फेज. इट इज नोन एज ग्रोथ टू फेज. तो इंटरफेज के दौरान साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की चीजें बढ़ रही हैं, जिनमें से जीवन इज गैप वन फेज, एस इज सिंथेटिक फेज, जी टू इज गैप टू फेज. ये एनसीईआरटी बोलती है और हम लोग क्या बोलते हैं? गैप की ग्रोथ. जीवन इज ग्रोथ वन फेज, एस इज सिंथेटिक फेज, जी टू इज ग्रोथ टू फेज. क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द नेम ऑफ जीवन फेज और ऑप्शन हो ग्रोथ वन गैप वन, क्या लगाओ? कौन ट्रू है? सुनील सर की एनसीईआरटी. हमारे सर ने पढ़ाया तो हम तो ग्रोथ वन लगाएंगे, मिलेगा माइनस वन, टोटल माइनस फाइव. ये हम अपना याद करने का तरीका बता रहे. गैप लगाओगे कि ग्रोथ? हाँ, जो एनसीईआरटी में लिखा वही है गैप. इसके बाद आपके पास आई एम फेज. कौन सी फेज? एम फेज. और एम फेज में बच्चों ये वाला फेज है यहां से लेकर यहां तक जो मैं पीला बना रहा हूं, ध्यान सुनना, दिस येलो. इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. बोलो क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस. एंड दिस फेज इज कैरियोकाइनेसिस यहां तक जाएगा. And this phase is known as cytokinesis. और भाइयों बहनों, कैरियोकाइनेसिस की अपनी अवस्थाएं हैं. पहली अवस्था प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज. बताइए न्यूक्लियस कहां तक डिवाइड हो जाएगा? टीलोफेज तक, बाद में साइटोप्लाज्म. तो बताओ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या चलेगा? एम फेज. इट इज एम फेज. और ये साइकिल टोटल कितने घंटे लगाएगी? 24 घंटे इन टिपिकल ह्यूमन सेल, जिसमें 23 घंटे कौन ले जाएगा? इंटरफेज. इट इज नोन एज इंटरफेज. मोर देन 95% में जीवन एस और जी टू है और लेस देन 5% में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस में भी चार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. और इन अंग्रेजी शब्दों का अपना मतलब है. तुम चाहोगे तो मैं बताऊंगा, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मैं बताऊंगा. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट फेज. मेटा का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर फेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंड. आफ्टर मतलब सेकेंड, सेकेंड फेज. एना का मतलब होता है अप, क्रोमोसोम अप जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं पोल की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अप फेज. यूपी उत्तर प्रदेश फेज, अप फेज. एंड टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो का मतलब ये होता है एंड फेज. यानी शुरू कहां से होगे? फर्स्ट फेज से. खत्म कहां होगे? एंड फेज. क्या खत्म हुआ? साइटोकाइनेसिस. वाह रे मेरे बच्चे, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस.
अभी इस गोले को दोबारा बनाएंगे, तो अभी सीख लो, बहुत मेहनत बाकी है अभी इसमें। अभी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ और रहस्य उद्घाटित होंगे, जाग जाओ बेटा, तुम अपना टेप पे लिए बैठे हो, सीधे बैठो। अभी तो यार यंग हो, अभी कौन सा तुम 50-60 साल हो गए मेरी तरह बैठे हो ऐसे। बेटा हमको पिछले 60 सालों से, मैं 60 साल का, कुछ लोग कह रहे 60 साल के, हाँ लगते तो हैं, नहीं कम बता रहे हो मार अपने, कह रहा सर कम बता रहे, सही सही लगा लो। हाँ बस 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 बदतमीजो, सेल साइकिल तुम्हारे आगे से निकल गई, साइकिल छूट जाएगी। बताओ कौन कौन सी फेज, जीवन एस जी टू। अब सुनो, जीवन में भी साइटोप्लाज्म बढ़ता है, जी टू में भी साइटोप्लाज्म बढ़ता है, और इन दोनों साइटोप्लाज्म बढ़ने के बीच में न्यूक्लियस बढ़ लेता है, किसमें? आइए एस फेज में क्या क्या होता है लिख रहा हूं। एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये केवल एनिमल में होता होगा, सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन हर जगह होता है। मैंने एक साल क्वेश्चन बनाया जिसमें से 80% लोग धराशायी हुए थे और बाद में मुझसे लड़ने आए थे। मैंने क्वेश्चन बनाया था, इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल ऑब्लिक डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, और मैंने बोला था इन एस फेज, बोलो इन एस फेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। मैंने पहला ऑप्शन दिया था डीएनए, दूसरा ऑप्शन दिया था सेंट्रियोल, तीसरा ऑप्शन दिया था बोथ, चौथा दिया था नन, सब लोगों ने लगाया था बोथ। सही की गलत? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में क्या डुप्लीकेट दिया? नहीं आया, नहीं आया भैया। कोशिका के दो पार्ट है, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म और ये रहा, तो बताओ सेंट्रियोल अपना नंबर कहां बढ़ा रहा है? साइटोप्लाज्म, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। तो बताओ डीएनए डबल हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रियोल डबल हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल हो रहा है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डबल हो रहा है। तो याद रहे, एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन चल रहा, रेप्लिकेशन चल रहा, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन चल रहा। अगर आपका मन कर रहा है कि सुनील सर अपने मन से पढ़ा रहे, तो घर में जाके एनसीईआरटी दोबारा जरूर पढ़ना, बिकॉज इट इज रिटेन इन एनसीईआरटी। नाउ जीवन फेज बहुत ही खतरनाक फेज है। इस फेज में न्यूक्लियोटाइड बन रहे, मतलब मोनोमर्स बन रहे, अमीनो एसिड बन रहे। इसी फेज में बेटा ध्यान सुनना, एटीपी बन रहा। इसी में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबल हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल ये डबल हो रहे हैं, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, एटीपी, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल यहां पर डबल हो रहे हैं जीवन में। बोलो क्या क्या? न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहा है, एटीपी बन रहा है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो रहा है। किस फेज में? जीवन। नाउ द जी टू फेज में तीन सेल ऑर्गेनेल डबल हो रहे हैं, एमसीजी, लर्न रखना, एमसीजी, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कहां थे? जीवन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहां? जी टू। क्लोरोप्लास्ट भी यहीं पर डबल हो रहा है और गॉल्गी बॉडी भी यहीं पर डबल हो रहा है। अगर कोई पूछे ईआर कहां डबल हुआ है, जीवन, कहां पर? लाइसोसोम,
एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एल्गोल्गी बॉडी को छोड़कर सारा जीवन में, तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कहां डबल हो रहे हैं? जीवन में। लेकिन एमसीजी बोलो कौन कौन, बोलो कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी, ये कहां डबल हो रहा है? और याद रखना यहीं पर आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, और यहीं पर प्रोटीन बन रही है। तो आरएनए और प्रोटीन नाम के मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो जीवन की बजाय जी2 में बन। तो जीवन क्या कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, अमीनो एसिड बना रहा है, एटीपी बना रहा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल को डबल कर रहा। शर्म को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और जब हम कल पूछेंगे तब क्या करूंगा। और आज भी मैं कह रहा हूं कि इतने से इतनी दूर में केवल ग्रोथ हो रही है, किसकी? सेल ग्रोथ, बोलो क्या? और सेल ग्रोथ में कितनी ग्रोथ? दो, एक कौन? साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए किस फेज में? बाकी जीवन और जी2 में क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के कौन कौन से हिस्से बता पाओगे? बोलो, जीवन में न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, एटीपी, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल किसमें? जीवन। एस में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। इसका मतलब चार सेल ऑर्गेनेल हैं जो जीवन में डुप्लीकेट, कौन कौन? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी। जिसमें सेंट्रियोल किस फेज में डुप्लीकेट? एस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी, जी2। लर्न कर पाओगे? और याद रखना इनमें से कुछ पॉइंट मैंने आकाश की बुकलेट से उठाए हैं और एलन की बुकलेट से उठाए हैं, ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है। सो प्लीज राइट इट डाउन वेल। एम सी जी, व्हाट इज एम? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी। याद रहेगा? प्लीज इसे गलत मत मानिएगा वरना आप लोग फंसेंगे। बताओ, प्रोफेज पहला फेज है, किस बात का? कैरियोकाइनेसिस। मेटाफेज दूसरा फेज है, किस बात का? कैरियोकाइनेसिस। और एनाफेज क्या अप फेज है? और टीलोफेज क्या एंड फेज है? यस। बताओ किन फेज में सेल डिवाइड करेगी? साइटो कैरियोकाइनेसिस और साइटो, और किन में नहीं करेगी? जीवन में, एस में, जी2 में। इस फेज में कितना घंटे लगेगा? 23। और इसमें, इन 23 घंटों में क्या चल रही है? प्रिपरेशन। पहली फेज में क्या प्रिपरेशन हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, एटीपी, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल का प्रिपरेशन। इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का प्रिपरेशन, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का प्रिपरेशन, और जी2 में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी का डुप्लीकेशन, और साथ में आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, ये कहां हो रहा है? जी2। और ये सारी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन मतलब तैयारियां, क्योंकि इन सारी चीजों की जरूरत कहां पड़ेगी? शादी 1 महीने बाद है, दूल्हे ने खरीदारी 1 महीने पहले से चालू कर दी है, दूल्हा किस फेज में है? इंटर। तो क्या वो रुका है? नहीं रुका है, वो रोज कहीं ना कहीं जा रहा है, कभी पेडीक्योर, कभी मैनीक्योर, कभी खरीदना है क्या अंगूठी, कभी खरीदना है शेरवानी, कभी खरीदने जूते, कभी कराना है फेशियल, और कभी घोड़ी वाले के पास जाना है, बैंड वाले के पास जाना है, बराती लोगों को कार्ड बांटना है। तुम तो बेटा कार्ड ही बांटोगे। तो बताओ, शादी जब चल रही है वो 1 महीना चल रही थी, 1 दिन, लेकिन 1 महीने से क्या चल रही है? तैयारी। इसे बोलते हैं शादी साइकिल। हाँ, तो कोई दिक्कत है आपको? ऐसे कैसे कुछ रिलेट करने में दिक्कत हो रही? बताओ बताओ बताओ, क्यों तुमने क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछा, क्या कंफ्यूजन था? दैट कंफ्यूजन मुझे बताओ। न्यूक्लियोटाइड बन गए, सो तो
एस फेज में. तो न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर विच इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो पहले तुम्हें आटा चाहिए कि रोटी? तो ये है आटा, कच्चा माल, और उससे बनेगी रोटियां. यहाँ नहीं आया, न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे तो किनको जोड़कर पॉलीमर बनाओगे? तो न्यूक्लियोटाइड पहले कहाँ बनवा दिए? जी में. उनसे क्या बनाया? डीएनए. फिर उन्हीं से क्या बनाया? आरएनए. कुछ 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 न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाने में और कुछ न्यूक्लियोटाइड आरएनए बनाने में. इसमें कहाँ दिक्कत कि सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? एकदम सीक्वेंस रट्टा मार के आया हूं मैं. रट्टा मारने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हें सच बताऊं मुझे सच में क्यों रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं चीजों को कॉन्सेप्चुअली रिलेट करने की कोशिश करता हूं. मैंने पहले ही सेकंड में तुमसे, पहले आधे घंटे में तुमसे कह दिया, जो बच्चा ये दो चीजें सीख लेगा वो सेल डिवीजन में नहीं फंसेगा, कि कोई भी सेल डिवाइड करने के पहले ग्रोथ. और हम यहां क्या करा रहे हैं? ग्रोथ. और हमारे दिमाग में जब तक जीवन SG2 चल रहा, क्या चल रही है? ग्रोथ. यहां डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. तो ग्रोथ में क्या बनाओगे? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ATP. और क्या बनाओगे? DNA. और क्या बनाओगे? RNA. और क्या बनाओगे? प्रोटीन. और क्या बनाओगे? सेल ऑर्गेनेल. और सेल ऑर्गेनेल सारे एक जगह की? तीनों जगह. कुछ सारे, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल जीवन, सेंट्रियोल, एस, MCG, G2. नहीं आया? अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, वरना क्योंकि मैं यहां इसे दबाने जा रहा हूं. दबा दें? आ गया? अगर आ गया तो अब बताओ क्या क्या आया. सेल साइकिल में कितनी फेज? दो. एक कौन? इंटरफेज. और एक इंटरफेज की कितनी फेज? तीन. G1 S G2. वाह मेरे बच्चे, सावा. जीवन का नाम गैप, एस का नाम सिंथेसिस, G2 का नाम. मैंने अपना तरीका सिखाया है जो सही नहीं है, लेकिन याद करना है. गैप का, वन का, सिंथेटिक फेस, ग्रोथ टू. तो क्या ग्रोथ वन में भी ग्रोथ हो रही है? एस में भी और G2 में भी? तो ग्रोथ वन में क्या क्या ग्रो कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ATP, मोस्ट ऑफ द सेल. एस फेज में भी कुछ ग्रो हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर DNA और साइटोप्लाज्मिक सेल. ये मैं बता रहा हूँ कि NCERT. और G2 में भी कुछ ग्रो कर रहा है? बोलो क्या? MCG, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वॉल्गी. इसके अलावा RNA ग्रो होकर के तैयारी है. ये तैयारी एक महीना चली दूल्हे की, और शादी एक महीना होनी. तो जो शादी है दैट इज नोन एज सेल डिवीजन, जिसके कितने फेज? दो. एक भंवर तक, जयमाल तक, और उसमें जयमाल के बाद जयमाल तक कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद जयमाल तक लोग रहते हैं, खाना खा के निकल लिए, बाकी तुम जानो तुम्हारा नहीं आया. हम तो लिफाफा दे के आ गए. कितने फेज? दो. पहला कौन? कैरियोकाइनेसिस. दूसरा? समझ में आया? एंड नाउ द वेरी रॉ एंड रूड गंदा कॉन्सेप्ट. सब लोग पेन छोड़ देंगे, सब लोग पेन छोड़ देंगे. और ये गंदा कॉन्सेप्ट एक गंदा आदमी ही सिखाता है पूरी इंडिया में, वो है सुनील सर. मेरे अलावा ये गंदा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं बड़ी गंदी तरीके से बात बताता हूं. मैंने दोबारा गोला बनाया, मतलब मैं इसमें क्या भरने वाला हूं तुम्हें याद है? बोलो, ये वाला फेस क्या है? जीवन. ये वाला एस. जीवन. जिसने भी पेन बेटा ओपन करके रखा हुआ है वो मेरे पे विश्वास नहीं करता. आपको केवल दिमाग चलाना है, अगर ये नहीं चला पाए तो तुम कितना भी लिख लो तुम्हें आना है नहीं, और जब तुम्हें आना नहीं है तो वो किताबों में और नोटबुक में बना रह जाएगा. पहला पॉइंट ये है कि इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है, कोशिका अगर किस फेज में है? इंटरफेज. तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है, उल्टा सीधा पढ़ाता हूं. ये जो इंटरफेज का न्यूक्लियस है, मान लो ये कोशिका इंटरफेज में है और इसके पास न्यूक्लियस है, तो इंटरफेज के न्यूक्लियस में DNA क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में होता है. ये मैं पढ़ा चुका हूं. भूल गए? फ्लेमिंग याद है? yes, sir.
रंगीन धागे दिखते हैं। yes, इंटरफेस में क्रोमोसोम की बात करना बदतमीजी है। अगर कोई क्रोमोसोम की बात करता है इसका मतलब उसे बायोलॉजी नहीं आती। क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर इंटरफेस में अपीयर नहीं होता। किस रूप में होता है? क्रोमेटिन। पर तुम्हारे टीचर तुम्हें क्रोमोसोम मान के ही इंटरफेस में पढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं दिस इज द मोस्ट गंदा कॉन्सेप्ट। क्योंकि मुझे मालूम है ये क्रोमेटिन एक दिन आगे चलकर मेटाफेज में जाएगा। जाएगा yes, कौन? और यही क्रोमेटिन क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। तो आज भले ही ये क्रोमेटिन है, आगे चलकर क्या बनाएगा? तो मैं उन क्रोमेटिन को एज्यूम करता हूं। क्या करता हूं? एज्यूम। रियलिटी में क्रोमोसोम इंटरफेस में है कि नहीं है? नहीं है। बट आई एज्यूम इट कि अगर ये क्रोमेटिन है तो आगे चल के क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। जीवन फेज का जो भी डीएनए है, बच्चा मेरे बहुत ध्यान सुनना, जीवन फेज का जो भी डीएनए है इट इज द ओरिजिनल डीएनए कंटेंट ऑफ सेल। जो बच्चा ये बात समझ लेता है वो हीरो है। ओरिजिनल डीएनए कंटेंट का मतलब है जितना सेल में डीएनए होना चाहिए उतना डीएनए किस फेज में होता है? जीवन। जीवन फेज बहुत सुंदर फेज है। वो कहती है कि मैं अभी अभी नई सेल बना के लाई हूं और वो बनी है किससे? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसे दुनियादारी से मतलब? वो उतना ही अमाउंट लेकर आया है जितना उसे भगवान ने भेजा है। और ओरिजिनल कंटेंट के साथ डीएनए अगर किसी फेज में है तो कौन सी फेज है? जीवन। मैं जीवन फेज के क्रोमेटिन को क्रोमेटिन को यहां क्रोमोसोम मान के चल रहा हूं। क्या मान चल रहा हूं? क्रोमोसोम। एंड दीज आर इन पेयर। किसमें बेटा? एन और एन। अगर मुझे कभी इंटरफेस का क्रोमोसोम बनाना पड़ जाए, बोलो किसका? इंटरफेस का क्रोमोसोम बनाना पड़ जाए तो ये दो क्रोमेटिन मुझे क्रोमेटिड मिलेंगे, लेकिन इन क्रोमेटिड की सेहत आपको अधूरी दिखाई पड़ेगी। ऐसा तो क्रोमोसोम आपने पढ़ा ही नहीं। बताइए क्या इसमें हर क्रोमोसोम एन है? Yes or no? Yes, क्या ये N है? Yes, तो बताओ जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2N। बोलोगे? Yes। और मान लीजिए अगर इस एक और इस एक का मतलब C है और इस एक और इस एक मतलब का C है तो बताओ इस समय पर आपके पास कितना है? 2C। तो आपके पास जीवन में कितना क्रोमोसोम है? नंबर में 2 और अमाउंट में 2C। Yes or no? Yes, अच्छा अब आई एस फेज। कौन सी फेज? एस। जैसे ही एस फेज आई डीएनए डुप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ? डीएनए डुप्लीकेशन हुआ। उसने क्या बढ़ाया? नंबर की अमाउंट। प्लीज सी, मजा आएगा आपको। ये एक था और ये एक था, यही था, ऐसा बड़ा बना दिया बस मैंने यहां पर। ये एक था और ये एक था, ये एक था और ये एक था, तो ये एन था और ये एन था। नंबर अभी भी कितने? 2N। पर भाइयों डीएनए ने अमाउंट बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? अमाउंट। और अमाउंट डबल किया। क्या किया? इसीलिए इसका नाम है डुप्लीकेशन। डीएनए ने अपना अमाउंट डबल किया है, इसी का नाम क्या हो गया? डुप्लीकेशन। क्योंकि इसे मैं एन मानता था, सॉरी सी मानता था, और इसे सी, तो इसे भी सी और इसे भी सी। बताइए सी सी, याद रखना इसको और इसको मिलाकर मैं क्या मानता था? सी। और ये और इसे क्या हो गया? सी। और इसे मिलाकर सी, तो सी और सी। तो क्या एक क्रोमोसोम में अमाउंट डबल हुआ? yes, और दूसरे क्रोमोसोम में भी अमाउंट डबल हुआ। yes, लेकिन नंबर क्या रहा? तो बताओ क्रोमोसोम नंबर कितने? 2N और अमाउंट 4C। ये कहां पर हुआ? एस। इधर देखो, अच्छा इनको भी देखना है। सुनील सर कितने यूनिट है? एक हाथ, भगवान ना करे,
एक हाथ और एक पैर सुनील सर के पास नहीं है। सुनील सर का नंबर कितना है? आधा। अरे मेरे अभी भी राशन कार्ड में कितनी यूनिट आएगी? नहीं, सुनील सर आधे हैं, आधे हो गए। बताओ, सुनील सर नंबर में एक, अमाउंट में आधे। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुमने मुझे ऐसे देखा है। यस और नो? पर क्रोमोसोम जब शुरू होता है तो ऐसा होता है। इट इज द ओरिजिनल कंटेंट। एक ये और एक ये, और डीएनए डुप्लीकेशन हुआ तो एक ये डबल हो गया और ये भी डबल। नहीं आया? तो जिस समय क्रोमोसोम अपीयर हुआ आपके सामने, उस समय क्रोमोसोम एक्चुअली इक्वल अमाउंट रख रहा कि डबल? नहीं आया? सर समझ में नहीं आया। ऑनलाइन वालों सॉरी, क्योंकि मुझे दीवार टिकी टिका के चाहिए। इधर देखो, सी दिस कंडीशन, इट इज अ क्रोमोसोम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? क्रोमोसोम कंडीशन। जिस समय जीवन में अगर होती, जीवन में क्रोमोसोम है कि नहीं है? अरे यार, फोटो तो मत खींचो यार, तो सर ऐसे बनाए फिर मजाक करते हैं। मम्मी का समय किसी ने फोटो खींची तो? मैंने पहले ही बोल दिया था G1 S2 में क्रोमोसोम की बात करना सही है कि गलत? गलत। मैं किसे एज्यूम कर रहा हूं क्रोमोसोम? क्रोमैटिन। अगर क्रोमैटिन क्रोमोसोम होती तो बताओ इसमें यहां और यहां मिलाकर दो क्रोमैटिन क्रोमेटिड होते, लेकिन दोनों में अमाउंट इक्वल होता कि डबल? इक्वल। एक याद रखना, G1 फेज के बाद क्या आई? S। S के बाद क्या आई? G2। G2 के बाद प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम अपीयर हुआ आकर के, वो एक्चुअली किससे क्रॉस होकर आया? S से। तो जब क्रोमोसोम दिखता है, जब क्रोमोसोम दिखता है वो S में दिखता है कि M पे? वो ऑलरेडी कहां से आ रहा होता है? और इसका मतलब वो अपने अमाउंट को डबल करके आ रहा है। इसका मतलब जब वो क्रोमोसोम एम फेज में दिख रहा तो आपको ऐसे दिख रहा, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, दिख रहा है? लेकिन उस समय पर वो किस फेज से होके आया? एस। इसका मतलब जब तुम्हें क्रोमोसोम के ओरिजिनल दर्शन हुए वो इक्वल डीएनए के साथ था कि डबल? हाँ, तो अगर उसका इक्वल डीएनए होता तो ये कंडीशन होती। यस और नो? यस। नहीं आया? तुम्हारे हाँ और ना में कोई अंतर नहीं। ये मेहनत है बेटा, इसे याद रखना, कोई नहीं करता। आए तुम्हें चाहे ना आए, फिर से, क्योंकि मेरा टॉपिक डाइल्यूट क्यों हो गया? क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अपना कंसंट्रेशन इधर से उधर किया, बाकी लोग इधर उधर देखने लगे, पूरा डिस्ट्रैक्ट करके मैं वापस चल रहा हूं। चलू? बोलो, कितनी फेज? दो। एक कौन? इंटरफेस। और एक इंटरफेस में कितनी फेस? तीन। बोलो कौन? फेस एस जी टू। क्या ये G1 फेस है? ये एस फेस है? G2 है? प्लीज अब मदद करना भाई, अब मदद करना। आप नहीं किया तो तुम हम दोनों बर्बाद। बताओ इसके बाद कौन सी फेस? सीधे यहाँ फेस। फिर ऐसा कहा जाता है कि क्रोमोसोम पहली बार दिखाई कब पड़ता है? बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? दिखता कहाँ है? और जब वो दिखता है तो कुछ ऐसा दिखता है। यस और नो? तो मैं कह रहा हूं अगर ये क्रोमोसोम यहां दिखा है तो ये किसका बना होगा? डीएनए का। बोलो का? और डीएनए डुप्लीकेट कहां हो चुका है? एस। एस फेज में जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है तो अमाउंट में इक्वल है कि डबल? इसका मतलब क्रोमोसोम जब दिख रहा है वो इक्वल अमाउंट में दिख रहा है कि डबल? इसका मतलब अगर इक्वल अमाउंट में दिखता तो इतना दिखता कि आधा? आधा। तो बताओ दिस इज नॉट आधा, दिस इज इक्वल डीएनए। नहीं आया? इक्वल डीएनए का मतलब है डीएनए बेटा किसी क्रोमोसोम में बने तो इतना होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि किस फेस से आ रहा है, इसने ऑलरेडी कहां से आ रहा है? डबल होके नहीं आया, क्योंकि ये दिखा कब है? इसीलिए तुम्हारे सर
जीवन फेज को ओरिजिनल कंटेंट मानते हैं. क्या मानते हैं? ओरिजिनल. और इसीलिए मानते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है तो इनके पास जो डीएनए है इट इज ओरिजिनल कंटेंट की डबल डबल. और इसीलिए इसको नंबर में मानते हैं एन, इसको भी नंबर मानते हैं एन, और इस दोनों को मिलाकर सी, और इन दोनों को मिलाकर सी. यस और नो? फिर कौन सी फेज आई? एस. हाँ, और जैसे ही एस फेज आई सबको मालूम है डीएनए डुप्लीकेट होगा. क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट होगा. नंबर में कि अमाउंट में? इसका मतलब जो क्रोमोसोम होगा वो अपना नंबर बढ़ाएगा कि अमाउंट? नंबर. और अमाउंट अगर बढ़ाया तो जितना है उसका डबल कर देगा? यस नो सर? और अगर डबल कर देगा तो आज भी ये नंबर में कितना है? एन. ये भी एन. एन और एन टू एन. लेकिन ये क्या था? सी. ये भी सी, क्योंकि डबल हुआ. तो ये क्या था? सी. ये भी सी. तो बताओ ये टू सी. टू सी. बोलो कितना? फोर सी. नहीं आया? इसका मतलब अगर ओरिजिनल क्रोमोसोम होता कैसा? तो बताओ क्या उसके पास इस कंडीशन में होता? यस और नो? ये जीवन का है, एस का है कि जीटू का? जीवन का. और जीवन का कंटेंट इज डबल की ओरिजिनल? ओरिजिनल. क्या एस पे से गुजरे? नंबर बढ़ाया कि अमाउंट? अमाउंट. अब सर दो हो गए. अभी भी सर कितने हैं? एक. अभी भी एक. सर बोले आधे. अमाउंट में आधे, नंबर में एक, और एस फेज में अमाउंट में डबल, नंबर में एक. इसका मतलब एस फेज में नंबर बढ़ता है कि अमाउंट? अमाउंट. नहीं आया? तो बताओ जीवन में क्या था? टू एन टू सी. यस और नो? सो जाओ. एस फेज में 2N4C. क्या नहीं बढ़ा? क्या बढ़ गया? तो बताओ डीएनए डुप्लीकेट हुआ? और बताओ जीटू में भी यही रहेगा? नो सर. अभी जीटू में भी अगर क्रोमोसोम होते, वैसे क्रोमोसोम है कि नहीं? अगर क्रोमोसोम होते तो क्या ऐसे ही होते? बोलो कितने? 2N4C. यस और नो? प्रोफेज में भी 2N4C, मेटाफेज में भी 2N4C. आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी बता पाऊंगा. बस क्या ये क्या होता है? बस. अच्छा हाँ, ओ सॉरी. जाइए, टेक केयर, गुड लक, बाय. इतना समझ में आया? टेक केयर. फ्राइडे है ना? अरे यार फ्राइडे, जुम्मा, जुम्मा मुबारक. जाओ.